हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, प्रेम और विश्वास का मूल है त्याग। जहां त्याग है वहीं विश्वास और प्रेम है। बिना त्याग के किसी का विश्वास नहीं जीता जा सकता और न ही प्रेम पाया जा सकता है। पुराणों में तो ऐसे त्याग और आस्था के कई प्रसंग हैं। प्यारे भक्तों, आज हम एक ऐसे ही त्याग की चर्चा करने वाले हैं जिस त्याग से एक मनुष्य भगवान बन गया। जी हाँ, बर्बरी, जो राजस्थान में खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं और गुजरात अहमदाबाद में बलिया देव अर्थात बढ़िया देव के नाम से विख्यात हैं। भक्तों, बर्बरी की परीक्षा के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उससे संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए अपना मस्तक देने को कहा। बर्बरी को ये समझते देर नहीं लगी कि ये स्वयं आदि पुरुष नारायण हैं। उसने अपना मस्तक देना सहर्ष स्वीकार कर लिया। भक्तों, बर्बरी के इस त्याग पर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरी को कलयुग में ईश्वर स्वरूप पूजे जाने का वरदान दिया। साथ ही बर्बरी को भगवान कृष्ण की शक्ति और नाम मिलने का भी वरदान दिया, जिससे वो भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ होंगे। भक्तों, वही बर्बरीक जी लांभा गाँव में बलिया देव अर्थात बढ़िया देव के नाम से पूजे जाते हैं और भक्तों को तमाम संकटों से बचाकर उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। लांभा गांव में बढ़िया देव मंदिर, मतलब इनको बब्रिक बोलते हैं, सालों से लगभग 83 साल से ये मंदिर बना हुआ है और यहाँ जो भी लोग आते हैं, बड़ी बड़ी रचनाएं आस्था लेके आते हैं, मन में जो भी संकल्प करते हैं दादा इनका काम पूरा करते हैं। भक्तों, लांभा बलिया देव मंदिर गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर लांभा गांव में स्थित है। ये भगवान बलिया देव का लगभग 83 वर्ष पुराना मंदिर है। भक्तों, खाटू श्याम ही गुजरात में बलिया देव के नाम से जाने जाते हैं। लांभा गांव वाले बलिया देव भगवान को दादा कहकर पुकारते हैं। बलिया देव अपने भक्तों को हर संकट से बचाते हैं और यहां आने वाले सभी भक्तों की हर मन्नत पूरी करते हैं। भक्तों, बताया जाता है कि लगभग 83 वर्ष पूर्व लांभा गांव में संक्रमण से लोग बीमार होने लगे। संक्रमण बहुत तेजी से गांव में फैल रहा था। कोई दवाई, कोई प्रार्थना काम नहीं कर रही थी। गांव के बहुत सारे बच्चे संक्रमण से मौत के बहुत करीब पहुंच चुके थे। उन्हीं में गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति पुरुषोत्तम दास का अपना बच्चा भी संक्रमण की चपेट में आ गया। भक्तों, खोड़ा भाई के साथ मिलकर पुरुषोत्तम दास जी ने खाटू श्याम जी के मस्तक की स्थापना कर यहां बाबा की पूजा आरंभ कर दी। सब गांव वाले एक साथ पुकार कर कह रहे थे कि हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करें। भक्तों, गांव वालों की पूजा से बाबा प्रसन्न हुए और मात्र 9 दिनों में संक्रमण से बाबा ने सभी बच्चों की रक्षा की। पुरुषोत्तम दादा का बेटा भी स्वस्थ हो गया और इस प्रकार बाबा का नाम पड़ गया बढ़िया देव, यानी सबसे बड़ा देव, और कालांतर नाम अपभ्रंश रूप में बलिया देव हो गया। पुरुषोत्तम दादा ने गांव वालों के साथ मिलकर इसी स्थान पर बलिया देव अर्थात बढ़िया देव के मस्तक की स्थापना कर मंदिर का निर्माण करवाया। भक्तों, बलिया देव श्रद्धालुओं की सभी संकट से रक्षा कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्तों, लांभा गांव में स्थित भगवान बलिया देव अर्थात बढ़िया देव का मंदिर बहुत ही विशाल परिसर में बना हुआ है, जो आज गुजरात में ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार गजराज की प्रतिमाओं से सुसज्जित है। मंदिर में प्रवेश करते ही महादेव भोलेनाथ की विराट मूर्ति के दर्शन होते हैं। भक्त जैसे ही मंदिर के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं मंदिर की दीवारों पर महाभारत के कथा चित्र बहुत ही कलात्मक तरीके से अंकित किए गए हैं। मंदिर का दृश्य पौराणिक इतिहास को दर्शाता है, जो यहाँ आने वाले भक्तों के मन को आकर्षित करता है। मंदिर के गर्भगृह में विराजित बलिया देव
अर्थात बढ़िया देव भगवान को देखकर भक्त भाव विभोर हो उठते हैं और उनकी दया दृष्टि की कामना करते हैं। मंदिर का गर्भगृह, इसकी दीवारें बहुत ही सुंदर और रंगीन पौराणिक चित्रों से सुशोभित हैं। मंदिर के बाईं ओर दर्शन होते हैं गणेश भगवान के और दाईं ओर विराजमान हैं संकट मोचन हनुमान जी। मंदिर परिसर में विशाल झूमर की रोशनी से सारा मंदिर दैदीप्यमान हो उठता है। मंदिर परिसर में एक बहुत ही विशाल हॉल का निर्माण किया गया है। यहाँ बैठकर भक्तजन अपने घर से लाया हुआ जलपान ग्रहण करते हैं। भक्तों, यहाँ मंदिर की मान्यता है कि जिन बीमार बच्चों को मंदिर में लाया जाता है, उन बच्चों में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो, मूर्छा आती हो, अनेकों बीमारी से पीड़ित बच्चों को ठीक होने में यहाँ अधिक से अधिक 9 दिन का समय लगता है। बताया जाता है कि कुछ बच्चे मरणासन्न स्थिति में मंदिर में लाए गए थे। भक्तों के विश्वास और बाबा की कृपा से वो यहाँ से ठीक होकर गए हैं। भक्तों, यहाँ बहुत ही बुरी हालत में बच्चे आते हैं और बढ़िया देव की कृपा से पूर्ण स्वस्थ होकर जाते हैं। हाँ, जो बच्चे लोगों जो बहुत कठिन अवस्था में होते हैं, तो ये लोग मानता रखते हैं कि भाई मेरा लड़का लड़की जो अच्छा हो जाएगा तो मैं इनका बबरी बढ़िया देव का मैं गरबा निकालूंगा। तो गरबा लेके आता है, फूलों का गरबा लाते हैं, मटकी का भी लाते हैं। ये फूलों का गरबा लेके आते हैं, उनके घर पूरा नाइट गरबा घुमाते हैं, फिर सुबह इधर इनको रखते हैं। यहाँ बढ़िया देव भगवान को भक्त गुड़, शक्कर, नमक, भाजी और खजूर अर्पण करते हैं। रविवार, मंगलवार और गुरुवार को मंदिर में विशेष पूजा होती है और भक्तों की भीड़ भी इन दिनों में बहुत अधिक होती है। भगवान बढ़िया देव का विशेष उत्सव प्रतिवर्ष आषाढ़ में इनके स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। उस दिन देश भर से लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। ये उत्सव बहुत ही विशाल रूप धारण कर लेता है। कहा जाता है कि उस दिन आने वाले श्रद्धालु जनों पर बाबा की कृपा बरसती है और उनकी कामना पूर्ति अवश्य होती है। भक्तों, मंदिर की ओर से जन कल्याण के लिए एक अस्पताल का निर्माण भी करवाया गया है, जिसमें रोगियों की निस्वार्थ और निशुल्क सेवा की जाती है। जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क शिक्षा भी मंदिर की ओर से दी जाती है। भक्तों, मंदिर में मंगला आरती प्रातः 6:15 बजे होती है, राजभोग आरती दोपहर 12 बजे, संध्या आरती का समय 7:45 बजे का है और बढ़िया देव भगवान की शयन आरती 8 बजे होती है। भक्तों, यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित लांभा बढ़िया देव या बलिया देव मंदिर के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, तो भक्तों, अहमदाबाद में स्थित कुछ मुख्य मंदिरों के दर्शन भी आप कर सकते हैं, जैसे द्वारकेश धाम मंदिर, इस्कॉन अहमदाबाद, श्री भद्रकाली मंदिर, साबरमती आश्रम, वैष्णो देवी मंदिर आदि सुंदर एवं दर्शनीय मंदिर हैं, जिन्हें आप अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसे अधिक आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित लांभा बढ़िया देव मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग से यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित लांभा बढ़िया देव मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। भक्तों, हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाती है। रेल मार्ग से भक्तों, यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित लांभा बढ़िया देव मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो अहमदाबाद देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप आसानी से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से बस अथवा टैक्सी द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं सड़क मार्ग से। और अगर आप लांभा बढ़िया देव मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो अहमदाबाद शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, अतः आप टैक्सी अथवा निजी वाहन से अहमदाबाद की यात्रा कर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित लांभा बढ़िया देव मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं,
तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और बढ़िया देव बाबा की कृपा से अपने संकटों का निवारण करें और अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। भक्तों, अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय बढ़िया देव बाबा, जय श्री कृष्ण, इति शुभम।